आप इतना दूर क्यों है मुझसे? क्योंकि आज तुम्हारे नजदीक वो है जो तुम्हारी बर्बादी का सबब है फातिमा। मेरी परवरिश तो ऐसी नहीं थी फातिमा। मैंने खुदगर्जी तुम्हें कभी नहीं सिखाई और आज तुम वही कर रहे हो। क्यों तुमने दानियाल को उसकी नजरों में गिरा दिया फातिमा? क्यों? आलिया आपके कान भर चुकी है ना, पता चल रहा है मुझे, और आप तो उसी की बात मानेंगे क्योंकि वो तो आपकी बेटी है ना, और मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो झूठ बोल रही हूं। ऐसे ना कहो फातिमा, खुदा गवाह है कि मैंने आलिया से ज्यादा ही तुम्हें प्यार दिया है और दानियाल तुम्हारे साथ मुखलिस था। ये साहिरा ही है जिसने आज तक हानिया का तसव्वुर दानियाल के दिल में रखा हुआ है, वरना हानिया कभी ना चाहती कि तुम दानियाल से दूर रहो, क्योंकि ये साहिरा ही है जो हानिया की मोहब्बत की दास्तानें दानियाल को सुना सुना कर उसको तड़पाती रहती है। लेकिन अब तो वो चिंगारी मेरे दामन की आग बन गई है ना। हानिया ने सब जानते हुए हमेशा मुझसे झूठ बोला, धोखे में रखा उसने मुझे। आप लोगों ने सब ने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी है, नहीं बात करना चाहती मैं आपसे। मेरी बेटी नाराज हो गई मुझसे फातिमा, मेरी बेटी। अस्सलामुअलैकुम अंकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल मुझे राहिल ने कॉल की थी, उसने मुझे बताया था कि अम्मी यहीं हैं। तुम जैसे बेटों की माँ का ना कोई घर होता है ना कोई ठिकाना। सामने कमरे में है तुम्हारी माँ, लेकर जाना चाहते हो तो 2 मिनट के अंदर तरुण को लो और यहां से दफा हो जाओ, वरना वलीद ने तो तुम्हें सिर्फ जख्म दिए। मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? बोला ना सिर्फ 2 मिनट, वो भी तुम्हें मैं तुम्हारी माँ के सदके दे रहा हूं, और ना 3रे मिनट तुम्हारी लाश तुम्हारी माँ के कदमों में हो सकती है। आगे बेचारी जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है और तुम जैसी औलाद। जाओ लेकर जाओ उसको।